राम राम दोस्तों, आज बात करेंगे अंधविश्वास की, पर 50-60 साल पुराने नहीं, दो सदी पहले के। जित आप देखियो क्यों अपने माँ बापू एक दूसरे ने नाम लेकर नहीं बुलांदे, बल्कि सुना है के या फिर बड़का की माँ बड़का के बापू कह के एक दूसरे ने बोलना है। ईब तो आप टूटते तार ने देख के विश मांगले हैं, पर 200 साल पहले इस बात का क्या मतलब था, और भी उन पुराने आदमिया की जिंदगी की अजब गजब मान्यताएं आओ देखें। दोस्तों यह वीडियो भाग दो है। इससे पहले एक वीडियो आई थी 200 साल पुराना हरियाणा, उस वीडियो का आपने जब वह वीडियो ना देखी है तो इसके बाद वह भी देख लियो। दोस्तों पुराने टाइम के लोग भूत प्रेतों ने खूब मान्या करते, उस टाइम डॉक्टर थे नहीं, वैद्य भी दूर दराज मिला करते, तो अपनी सारी बीमारियां का इलाज ये झाड़े लगवा कर झाड़ फूंक करवा कर ही करा करते। झज्जर जिले के छारा गांव में आज भी मान्यता है कि जब पीलिए का कोई रोगी इस गांव के तालाब में नहाले तो उसका पीलिया 100% ठीक हो जाए। और दोस्तों हरियाणा में ऐसी ऐसी घनी जगह घने गाँव है जोड़ा अलग अलग ढाल के चमत्कार हुए हैं, आपने जब किसी का पता हो तो कमेंट करके बता दियो। उस टाइम पे दोस्तों दक्षिण की तरफ पैर करके सोन की सख्त मनाई थी, क्योंकि उस टाइम के लोगों ने लग्या करता कि दक्षिण दिशा में मृत आत्माओं का वास है, और जय आम उनके पैर करके सोंगे तो हमारा अहित कर देंगी। पर दोस्तों मैं गलत नहीं थे, ईब साइंस ने प्रूव कर दिया कि दक्षिण दिशा के अगर हम पैर करके सोए हैं तो जो धरती की मैग्नेटिक वेव्स हुए हैं, चुंबकीय धारा हुए हैं, वह हमारे शरीर में घुस जाएंगी, और हमने जो तरकी उठेंगे तो हमारा मन भारी भारी और मानसिक तनाव हमारे दिमाग में होगा। पहले टाइम में घर ते बाहर जाने की भी खूब मान्यता होया करती, जब घर ते लिकट दे कोई गोशा की एल ले आपागी तो अपशगुन, कोई काला या काना बमन पै गया तो अपशगुन, सांप दिख गया तो अपशगुन, और जब घर ते बाहर लिकड़े पक्ष तीन कोस तक तेली दिख जा कर दे तो समझा कर दे कि इस आदमी के सर पर मौत मंडरा रही है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। पर जय राम दिख जंदे काग और चाहे हिरण तो बहुत बढ़िया मान्या करते, और जब दिख जंदी दूध तब भरी टोकनी ले हुई कोई लुगाई तो वारे के न्यारे समझा करते, और जब दिख जंदा राम गरुड़ तो फंसे हुए पीछे उल्टे आन की सोचा करते। इब तो आपा टूट दे तारे ने देख फट देसी विष मांगले हैं, पर पहले के टाइम में जय किसी ने टूटता तारा दिख गया तो इसका मतलब था कि उसके किसी सगे संबंधी की मौत की खबर आने वाली है, इस चीज ने बहुत अशुभ मान्या कर दे। फसल बोण के ऊपर भी एक कहावत थी कि बुध बोवनी माला माल, मतलब जब आपने बुधवार ने फसल बोनी शुरू करी वह आपने माला माल कर देगी, बहुत बढ़िया फसल होगी, और जब किसी और दिन शुरू करी तो उन अकाल पड़न का डर लग गया करता। पुराने हरियाणा में अपने डांगरा पे मोस आले दिन कोई काम नहीं करवाया करते, और जो सक्रैत आया करती उस दिन भी उनके पशु खाली बैठे रहा करते, और जब किसी ने काम ले लिया तो उसके महापाप लागन का डर रहा करता। दोस्तों 200 साल पहले एक अजीब सी मान्यता थी और शायद वह आज तक भी चलती आ रही है किते किते, तो चाहे कितनी भी जरूरत पड़ जाए कोई भी आदमी किसी तक काले तिल उधार नहीं देवा था। उस टाइम पे मान्यता थी कि जय किसी ने काले तिल किसी तक उधार दिए तो देने वाले को लेने वाले की अगले जन्म में गुलामी करनी पड़ेगी, और इसे के ऊपर एक कहावत भी तो अपने हरियाणा में कि जब कोई एक आदमी दूसरे तय जबरदस्ती कुछ करवावे तो दूसरा के क्या आग्रह है, मने के तेरे काले तिल चाप रखे से जो मैं तेरे यू काम करूंगा, आगे बात बढ़ावे तो लोग जब पीण के पानी का कुआ खोजा कर दे तो भी पंडता दा दिखवा के शुभ घड़ी के टाइम पे खोजा कर दे, सब तो पहले एक बजरंग बली की मड़ी बनाया कर दे। उनमें मान्यता थी कि बजरंग बली सारा काम सही करवाएंगे और मीठा पानी देवेंगे। अरीब दोस्तों वो पॉइंट जिसका शायद आपने इंतजार था कि अपने माँ बापू इबी भी एक दूसरे का नाम लेकर क्यों नहीं बोलते, सुना है कि बालका के बाबू बालका की माँ क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों यह बात उसे टाइम तक चलती आ रही है, उन्हें लग गया करता जब पति पत्नी एक दूसरे का नाम लेकर बुलाएंगे तो उनकी उम्र कम होगी, और जब एक दूसरे का नाम लेकर नहीं बुलाएंगे तो उनकी उम्र बढ़ेगी, इसलिए आज तक चलता हुआ अरे है। दोस्तों आपने पुराने अंधविश्वास जानकर किसा लग गया मैंने कमेंट करके बताइयो। मैं गौरव मान, यह वीडियो देखने की धारा धन्यवाद करूँ।